नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक लेटेस्ट गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट की अपडेट लेके। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट टीचर्स की हम बात कर रहे हैं। कुल पद यहाँ 4161 हैं। कुछ सब्जेक्ट की वैकेंसियाँ आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं, इनके अलावा और भी अन्य सब्जेक्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। टीजीटी टीचर्स की रिक्रूटमेंट है, तो टीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन आपको पता ही है। कंसर्न सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में रिक्रूटमेंट आई हुई है उस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो और उसी के साथ साथ बीएड आपने कर रखी हो, तो आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पदों के विवरण की जहां तक बात है, शॉर्ट में एक बार देख लीजिए। टीजीटी मैथ्स के 912 पद हैं, टीजीटी साइंस के 859 पद, टीजीटी हिंदी के 240 पद हैं, टीजीटी पंजाबी के 534 पद हैं, टीजीटी सोशल साइंस एसएसटी के 633 पद हैं, टीजीटी इंग्लिश के 790 पद हैं, टीजीटी म्यूजिक के 25 पद, टीजीटी पीईटी मतलब फिजिकल एजुकेशन टीचर पीटीआई के 168 पदों के लिए ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। और इनके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप चाहें तो अब भी इन पदों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देख लेते हैं कहां से रिक्रूटमेंट आ रही है, कौन कौन कहां कैसे जाके इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ये देखिए दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन पंजाब की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई हुई है, एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड पंजाब.com। तो यहाँ आप देखेंगे तो एक्सटेंशन ऑफ डेट टू अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट, इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से ये नोटिस आपके सामने ओपन हो जाएगा। पहले इनके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20/4/2022 थी, अब उसे बढ़ा के 5/5/2022 कर दिया गया है। हाँ जी दोस्तों, 5 मई 2022 तक अब आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए आपको यहाँ इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। ये देखिए educationrecruitmentboard.com/master2022/। आप ये वेबसाइट ओपन कर लीजिए, यहाँ पे आप रजिस्टर करके इनके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट फॉर मास्टर कैडर 4161 पोस्ट, आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपके सामने इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगा। वैसे सबसे पहले ये नोटिफिकेशन 8 जनवरी 2022 को जारी किया गया था, उसके बाद से लगातार आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाई जा रही है। तो दोस्तों आपको पता लग ही गया है, पंजाब में रिक्रूटमेंट आई हुई है तो पंजाबी लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए, और उसी के साथ साथ टीजीटी के लिए आपका पीएसटेट पंजाब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर 2 क्लियर होना भी आवश्यक है। अगर ये आपके पास हैं और कंसर्न सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और बीएड भी कर रखी है, तो फिर आप इनके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने दिखा दी है जहाँ पे आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी जानकारी वैसे भी दो अलग अलग वीडियोस के माध्यम से मैं पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूं। ये वीडियो एज ए रिमाइंडर वीडियो है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अगर किसी कारणवश अभी तक आप आवेदन नहीं कर पाए थे, तो अब भी आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और जहां तक इनके लिए आयु सीमा की बात है, मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 37 है अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। बाकी अपर एज लिमिट में आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग छूट भी मिल जाएगी। एप्लीकेशन फीस 1,500 रुपये कैटेगरी के अकॉर्डिंग है, ये आप देख सकते हैं। और कुछ कैटेगरीज के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस आपकी नहीं लगेगी। तो ठीक है दोस्तों, मेन जानकारी बिल्कुल शॉर्ट में आपको इस वीडियो के माध्यम से दोबारा से प्रोवाइड कराई गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप बाकी की जानकारी देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, पीएसटेट का पेपर 2 भी आपका क्लियर होना आवश्यक है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।